ओके इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट द मैज ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन एक टू कंडक्टर सिस्टम है और इस ट्रांसमिशन लाइन का एक इंड सोर्स से कनेक्टेड है इस सोर्स से एसोसिएटेड एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक वेवलेंथ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और इसी से रिलेटेड जो वेव होती है दैट वेव इज नोन एज ऑपरेटिंग वेव दूसरा इंड हम लोड से कनेक्ट करते हैं आप यहाँ पे देखिए कि वैल्यू ऑफ लोड इज़ नथिंग बट इट इज़ जेड नॉट तो अब सवाल ये है क्या लोड जो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर है बिल्कुल है अच्छा इसके साथ साथ देखिए कि आपको मैंने एक इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बताया था इस इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन में देखिए क्या इन्वॉल्व है एल इन्वॉल्व है तो यदि एल इन्वॉल्व है तो ऑब्ज़रवर की लोकेशन कहाँ पर होगी लोड पर होगी यदि मैं बोलूँ एल इक्वल्स टू जीरो पर लोड की वैल्यू क्या क्या है तो लोड की वैल्यू क्या है जेड नॉट है तो यदि यहाँ पे टेन बीटा एल लिखा हुआ है इस चीज़ का क्या मतलब है कि ये ट्रांसमिशन लाइन कैसी है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है आर इक्स टू ज़ीरो और जी इक्वल्स टू ज़ीरो दोनों रजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस दोनों कैसे एलिमेंट हैं लॉसी एलिमेंट हैं तो चलिए आप यहाँ जेड एल की वैल्यू किसके बराबर है जेड नॉट इसमें रख दीजिए तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको जेड एल क्या मिल जाएगा जेड एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी जेड नॉट इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि लेंथ लेंथ की वैल्यू चाहे कुछ भी हो लोकेशन चाहे कुछ भी हो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी जेड नॉट मिलेगी तो आप देखिए मैंने जेड एल और एल के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा एक कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा इस चीज़ का मतलब ये भी है कि एट एवरी पॉइंट द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस दिस इज़ द मेन थिंग दैट इज़ रिलेटेड विथ मैज ट्रांसमिशन लाइन चलिए देखते हैं कि मैच ट्रांसमिशन लाइन में क्या रिफ्लेक्शन होता है तो देखिए आप कि आप देखिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इस ट्रांसमिशन लाइन में मेरी लोकेशन कहाँ पर है यहाँ पर एल इक्वल्स टू जीरो एल यदि इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा लोड पर होगा एल यदि इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर इस ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्ज़र्व करेगा लोड से ऑब्ज़र्व करेगा देखिए लोड की वैल्यू कितनी है जेड नॉट है ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितना है जेड है क्या दोनों इम्पीडेंस में कोई मिसमैच है आंसर इज नो तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या लोड से कोई रिफ्लेक्शन होगा ये इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशेंट एट लोड ये किसको बताता है मिसमैच को बताता है किस में मिसमैच को बताता है इम्पीडेंस में मिसमैच को बताता है यदि इम्पीडेंस मिसमैच है तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव होगी क्या इम्पिडेंस में मिसमैच है आंसर इज नो तो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो हो गई इस चीज़ का क्या मतलब है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में एक वेव जो कि सोर्स से लोड की तरफ जाएगी उसे हम कौन सी वेव कहते हैं फॉरवर्ड वेव कहते हैं क्या रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है एब्जॉर्व कर ली जाएगी किसके द्वारा लोड के द्वारा मील्स मीन्स ऑल द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाई द लोड एंड देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन नो रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है किसी भी तरीके की वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी ख़ास बात क्या देख रहे हैं इस ट्रांसमिशन लाइन में मैज्ड ट्रांसमिशन लाइन में केवल और केवल क्या है फॉरवर्ड वेव है बैकवर्ड वेव प्रेजेंट नहीं है तो मैज्ड ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा ट्रांसमिशन लाइन जिसका टर्मिनेशन किसके जिसका टर्मिनेटिंग लोड किसके बराबर हो कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस के बराबर हो ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहेंगे ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे दूसरी खास बात क्या ऑब्जर्व करी कि इस ट्रांसमिशन लाइन में केवल और केवल फॉरवर्ड वेव होगी कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्शन कोफिशेंट पे तीसरी खास बात क्या नोटिस करी यदि मेरे ने एल इन्वॉल्व है ये वाला एल इन्वॉल्व है तो मेरी लोकेशन कहाँ पर होगी लोड पर होगी मैं चीज़ों को कहाँ से ऑब्जर्व करूँगा लोड से ऑब्जर्व करूँगा तो चलिए हम इसी के आगे पढ़ते हैं कि वाट इज़ इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन तो आप देखिए इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका लेंथ कितना है इनफाइनाइट है और इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है जेड नॉट है क्या ये टू कंडक्टर सिस्टम है हाँ है क्या ये एनर्जी को गाइड करेगा एलोंग इट्स लेंथ बिल्कुल गाइड करेगा तो आप हम हमेशा ये बोलते हैं कि एनर्जी जो भी है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट जो होते हैं किसके फॉर्म पे प्रपागेट होते हैं वोल्टेज और करंट वेव के फॉर्म पे प्रोपगेट होते हैं आप मेरा ट्रांसमिशन लाइन का लेक्चर देखना टेलीग्राफर्स इक्वेशन करके लेक्चर नंबर नाइन एंड टेन पे देखना कि हम हमने ये इस इक्वेशन को डेवलप किया था इस चीज़ का मतलब क्या है कि क्या ये वेव इक्वेशन है क्या ये वेव इक्वेशन है हाँ है देखिए और ख़ास बात देखिए कि इस इस चीज़ का मतलब क्या है कि वोल्टेज की वेव किस डायरेक्शन पे प्रोपगेट करेगी एक्स डायरेक्शन पे प्रोपगेट करेगी इस चीज़ का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन किस डायरेक्शन पे डिप्लाई की गई है एक्स डायरेक्शन पे डिप्लॉय की गई है इन दोनों इक्वेशन का क्या मतलब है कि वोल्टेज और करेंट दोनों वेव के फॉर्म पर प्रोपिगेट करेंगे इसका ये मीनिंग है फिर आपने कभी देखा होगा कि मैंने इसका सोल्यूसन निकाला था वी ब्रैकेट एक्स इस चीज़ का मतलब क्या है क्या यहाँ पे एल इन्वॉल्व है नहीं यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है एक्स इन्वॉल्व है यदि कभी भी एक्स इन्वॉल्व हो तो हम ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं सोर्स से जब यहाँ पे एल इन्वॉल्व होता है तो हम ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं लोड से यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है एक्स यदि एक्स इन्वॉल्व है तो मैं ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्जर्व करूँगा सोर्स से ऑब्ज़र्व करूँगा चलिए इसका सोल्यूशन क्या हो हालांकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस गामा को क्या बोलते हैं दैट गामा इज़ नोन एज प्रपगेशन कॉन्स्टेंट तो आपने देखा होगा कि गामा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी आप मेरे पुराने लेक्चर्स में देख लेना गामा क्या है प्रोपगेशन कांस्टेंट है और गामा की वैल्यू क्या है यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रियल पार्ट होगा और इमेजनरी पार्ट होगा ये रियल पार्ट किसको बताता है एटीन्यूएशन को एटीन्यूएसन कांस्टेंट बीटा को किस किस बताता है फेस शिफ्ट कॉन्स्टेंट को तो चलिए इस इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास ये है वी प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स वी माइनस ई पावर गामा एक्स इस पहले टर्म को क्या बोलते हैं फॉरवर्ड वेव दूसरे टर्म को क्या बोलते हैं बैकवर्ड वेव बोलते हैं तो ये जो थ्योरी है ये बेसिक ट्रांसमिशन लाइन की थ्योरी में मैंने पहले से एक्सप्लेन किया है यदि इस थ्योरी को आपको समझना हो तो लेक्चर नंबर नाइन टेन एलेवन ये तीनों चारों लेक्चर आप देखो तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बस एक कंसेप्ट याद रखिए कि ट्रांसमिशन लाइन पे जो वोल्टेज और करंट है वो किसके फॉर्म पे मूव करेगा वेव के फॉर्म पे मूव करेगा बस इतना सा याद करिए और इसमें क्या है ये फॉरवर्ड वेव है और ये बैकवर्ड वेव है तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि यदि ये ट्रांसमिशन लाइन है आप देखिए वी एक्स कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ सोर्स से इसका मतलब क्या है फॉरवर्ड वेव इसका मतलब क्या है बैकवर्ड वेव फॉरवर्ड वेव कहाँ से कहाँ चलेगी सोर्स से लोड की तरफ़ चलती है और बैकवर्ड वेव कहाँ से कहाँ चलती है लोड से सोर्स की तरफ चलती है अच्छा अब मेरा सवाल यह है कि इस ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है वो कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है तो आप सोच के देखिए कि यदि ये ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट तक डिप्लॉय की गई है तो क्या आपको कभी लोड मिल पाएगा क्या कभी नहीं मिल पाएगा तो जब लोड ही नहीं मिलेगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है लोड से होता है जब आपको लोड ही नहीं मिला तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या रिफ़्लेक्टेड वेव को हमें यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए मेरा आंसर है नो no. एक बार मैं फिर से बोलता हूँ ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है मतलब ये वेव कहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक जाएगी इस वेव को क्या कभी लोड इंड मिल पाएगा कभी नहीं मिल पाएगा यदि लोड इंड रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से होता है लोड इंड से होता है जब इसको लोड इंड मिला ही नहीं कभी तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होने का सवाल होता ही नहीं है तो क्या इस टर्म को कंसीडर करना चाहिए आंसर इस नो चलिए आगे देखते हैं सिमिलरली मैंने क्या लिखा आई एक्स ये कौन सा इक्वेशन है करंट का इक्वेशन है क्या यहाँ पे देखिए एक्स इन्वॉल्व है तो कहाँ से ट्रांसमिशन लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं सोर्स से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा फॉरवर्ड वेव इसका मतलब क्या होगा बैकवर्ड वेव सोच के देखिए कौन सी वेव होगी करंट की करंट की कौन सी वेव प्रेजेंट होगी फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी मैं कहता हूँ केवल फॉरवर्ड होगी बैकवर्ड नहीं होगी क्यों लोड कहाँ पर है इनफाइनाइट पे है इसको लोड इस फॉरवर्ड वेव को कभी लोड दिखेगा ही नहीं तो ये सिर्फ आगे चलती जाएगी चलती जाएगी इसको कभी लोड नहीं मिलेगा तो ये कभी रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मतलब इस टर्म को मुझे नहीं कंसिडर करना चाहिए आपने देखा होगा इस इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके ऐसा भी लिखा था वी प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स ओवर जेड नॉट माइनस वी माइनस ई पावर गामा एक्स ओवर जेड नॉट तो आप मेरे ट्रांसमिशन लाइन के लेक्चर में ये जरूर देखे होंगे और आपको दिखेगा इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड इसको क्या बोलते हैं बैकवर्ड क्या बैकवर्ड वेव को कंसिडर करना चाहिए नहीं इसमें नहीं करना चाहिए इसमें बैकवर्ड वेव को कंसीडर नहीं करना चाहिए मतलब इन दोनों टर्म को मतलब इसमें जो बैकवर्ड वेव है इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए इसमें जो बैकवर्ड वेव है इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए तो किसको कंसीडर करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वेव को तो ये देखिए मैंने फॉरवर्ड वेव का यहाँ पर इक्वेशन लिखा है चलिए आगे देखिए कि आप देखिए वी एक्स में सिर्फ फॉरवर्ड वेव को कंसीडर किया है आई एक्स में सिर्फ फॉरवर्ड वेव को कंसीडर किया है दोनों का रेशियो लीजिए दोनों का रेशियो मैंने जेड एक्स लिखा जेड एक्स इज गल टू क्या मिलेगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये ऊपर चला जाएगा मुझे क्या मिल गया जेड नॉट इस चीज़ का मतलब क्या है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे हमेशा एम्पिडेंस क्या मिलेगा जेड नॉट मिलेगा एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए मुझे एम्पिडेंस हमेशा जेड नॉट मिलेगा चाहे मैं एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव एट टेन कुछ भी रख दूँ मुझे हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा जेड नॉट मिलेगा अब रिकॉल करिए मैच ट्रांसमिशन लाइन को मैज ट्रांसमिशन लाइन क्या था कि एक ट्रांसमिशन लाइन था जिसको मैंने टर्मिनेट किया था किससे जेड नॉट से क्या इसका और इसका दोनों का इम्पिडेंस मैच कर रहा है हाँ कर रहा है क्या किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा लोड से नहीं होगा मैंने अभी पिछले पिछले दो पेजेस में मैंने बताया क्या रिफ्लेक्शन होगा क्या नहीं होगा रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव होगी क्या नहीं होगी इसके केस में जेडल क्या कंसिडर किया था जेडल क्या कैलकुलेट किया था इसके केस में ये वाला जेडल क्या मिला था मुझे जेडल इजिकल टू जेड नॉट और यहाँ पे भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था कि जेडल और एल के बीच में तो ये भी कैसा मिला था कांस्टेंट मिला था दोनों में सिमिलरिटी देखिए दोनों में सिमिलरिटी देखिए आप देखिए ये कौन सा है ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन है इसमें केवल और केवल फॉरवर्ड वेव होती है ये कैसा ट्रांसमिशन लाइन है मैस्ड टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन है इसमें भी केवल और केवल फॉरवर्ड वेव होती है दोनों के केस में इस इस केस में यहाँ एक्स इन्वॉल्व कर रहे थे इस केस में देखिए आप जेड एक्स क्या मिल रहा था जेड एक्स इजिकल टू मुझे जेड नॉट मिल रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में इसमें जेड एल क्या मिल रहा था एल तो के रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिल रहा था जेड नॉट मिल रहा था आप दोनों के केस में देखिए हर पॉइंट पे इस केस में भी इम्पिडेंस हर पॉइंट पे कितना मिला जेड नॉट मिला इस केस में भी इम्पिडेंस मुझे हर पॉइंट पे क्या मिला जेड नॉट मिला दोनों के केस में रिफ्लेक्टेड वेव नहीं मिली तो मेरा एक ये मेरा ये कंक्लूज़न है कि क्या मैं किसी भी इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को यदि मैं ऐसे रिप्लेस करूं तो क्या सही है देख लेते हैं देखते हैं कैसे यदि इस इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को मैंने ऐसे रिप्लेस किया तो इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में क्या रिफ्लेक्टेड वेव होना चाहिए नहीं तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टेड वेव होगी क्या आप देखिए कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सोर्स से लोड की तरफ वेव गई क्या वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी यहाँ पर नहीं होगी तो ये ठीक बात है यहाँ पे किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होगा इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के केस में हर पॉइंट पे इम्पिडेंस क्या मिलना चाहिए था जेड नॉट इसके केस में भी देख लीजिए कैलकुलेट करके देखिए अभी पिछले पेज में कैलकुलेट किया था इसमें भी हमें हर पॉइंट पे इम्पिडेंस क्या मिल रहा था जेड नॉट कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को आप मैच्ड टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन के फॉर्म पे रिप्लेस कर सकते हैं तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न ऑफ दिस लेक्चर इस लेक्चर का कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि आपके पास यदि कोई मैच डिटर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन है व्हाट डू यू मीन बाय मैच डिटर्मिनेशन मैच डिटर्मिनेशन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपका जो लोड है वो कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस से मैच करना चाहिए यदि आपका लोड कैरेक्टरिस्टिक एम्पिडेंस के बराबर है तो क्या होगा यहाँ से किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी साथ साथ ये देखिए कि हर पॉइंट पे किसी भी वैल्यू एल की किसी भी वैल्यू के लिए आपको करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या मिलेगा सेम मिलेगा दो पॉइंट नोटिस करिए नो रिफ्लेक्शन और करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हर पॉइंट पे जेड नॉट ये मैच टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन की खास बात है क्या मैच टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव होगी नहीं यानी इस चीज़ का मतलब ये है यहाँ से जो भी एनर्जी आएगी वो पूरी के पूरी किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द लोड देर इज़ नो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कब होता है जब इम्पिडेंस में मिसमैच होता है अब इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को याद करिए इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन पे क्या जो एक वेव जाएगी सोर्स से सोर्स से लोड की तरफ वो ऐसे चलेगी कुछ अच्छा इस ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कैसा है कितना है इनफाइनाइट है इस ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट किसके फॉर्म पे चलते हैं वेव के फॉर्म पे चलते हैं तो इसका इसका सल्यूशन क्या है एक फॉरवर्ड वेव और एक बैकवर्ड वेव सोच के देखिए कि यदि इसका लेंथ इनफाइनाइट है तो एक ही वेव होगी केवल और केवल फॉरवर्ड वेव होगी क्या इसको कभी लोड मिल पाएगा कभी नहीं मिल पाएगा जब इसको लोड मिल नहीं पाएगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है लोड से होता है जब इसको लोड कभी मिल ही नहीं पाया तो रिफ्लेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता इस गामा को क्या कहते थे प्रपागेशन कांस्टेंट। प्रपागेशन कांस्टेंट कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फ़ा प्लस जे बीटा अल्फा को क्या बोलते हैं अटिन्यूएसन कांस्टेंट। बीटा को क्या बोलते हैं फेस शिफ्ट कांस्टेंट। इसमें खास बात क्या नज़र आई कि इसमें केवल और केवल क्या होगी फॉरवर्ड वेव होगी फिर हमने क्या देखा कि ये सिर्फ फॉरवर्ड वेव का ये वाला टर्म रहेगा करंट का फॉरवर्ड वेव का ये वाला टर्म रहेगा दोनों का रेशियो लीजिए दोनों का रेशियो लीजिए ये क्या मिला मुझे जेड नॉट मिला ये मुझे कुछ बताता है क्या बताता है कि हर पॉइंट पे इम्पिडेंस क्या मिलेगा जेड नॉट मिलेगा अब दोनों ट्रांसमिशन लाइन को कंपेयर करते हैं मैच डिटर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन को और इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं चलिए मैच डिटर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन में केवल और केवल कौन सी वेव होती है फॉरवर्ड वेव इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में केवल और केवल कौन सी वेव होती है फॉरवर्ड वेव क्या यहाँ पे किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन होता है नहीं क्या इस केस में रिफ्लेक्शन होता है नहीं इस इस ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के केस में करेक्ट्रस्टिक हर पॉइंट पे इम्पिडेंस कितना होता है जेड नॉट इस केस में भी इस केस में भी हर पॉइंट पे इम्पिडेंस कितना होता है जेड नॉट दोनों में सिमिलरिटी है एग्जैक्ट सिमिलरिटी है तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इनफाइनाइट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को मैच डिटर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन में तब्दील कर सकते हैं तो होपफुली ये समझ में आया होगा और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच